दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यों के बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी देश की एक घाटी भी रहस्यों से भरी हुई है। इस वैली के लोग 120 साल से लेकर 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं कही जाती है। एक और जहाँ यहाँ की औरतें बूढ़ी होने पर भी जवान दिखती है, तो वहीं यहाँ के पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको इस रहस्यमय घाटी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं हुंजा समुदाय के बारे में, जो उत्तरी पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित हुंजा घाटी में रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग औसतन 120 साल तक जिंदा रहते हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को बुरुशो भी कहते हैं। ये बुरुशास की भाषा बोलते हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय सिकंदर की सेना के वंशज हैं, जो चौथी सदी में भारत आए थे। कहते हैं कि हुंजा समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदाय के लोगों से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं। हुंजा घाटी में इनकी संख्या 85,000 से भी ज्यादा है। यह समुदाय मुस्लिम धर्म को मानता है और इनके सारे क्रियाकलाप भी मुस्लिमों जैसे ही हैं। हुंजा घाटी पाकिस्तान के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं। इस समुदाय के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिसमें द हेल्दी हुंजाज और द लॉस्ट किंगडम ऑफ द हिमालयाज शामिल है। इस समुदाय के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही उनके लंबे जीवन का राज है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ के लोग साइकिल या गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और पैदल ज्यादा चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं। पहली बार दोपहर में 12 बजे और दूसरी बार रात को 8 से 9 बजे के करीब। इनका खाना भी पूरी तरह कुदरती होता है, मतलब कि उनकी सब्जियों, दूध, फल, मक्खन आदि में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। हुंजा समुदाय के लोग आमतौर पर जौ, बाजरा, कुट्टू और गेहूं का आटा ही खाते हैं, जो इन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। कहते हैं कि ये लोग मांस का सेवन बहुत कम ही करते हैं। किसी खास अवसर पर ही यहाँ मांस बनता है, लेकिन उसमें भी ये लोग बहुत हिसाब से ही खाते हैं। हुंजा वैली में रहने वाले लोगों की सेहत का राज का पता लगाया जा रहा है। हुंजा समुदाय के लोगों की आयु बहस का विषय भी रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ रहने वाले लोग दुनिया से दूर एक प्रकार के आइसोलेशन में रहते हैं और वह अपनी कुछ खास आदतों की वजह से अधिक सेहतमंद है। आखिर पाकिस्तान की इस घाटी के लोग इतने सालों तक कैसे जिंदा रहते हैं, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है